आज से 44 साल पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून 1975 को लगा आपातकाल 21 महीनों तक यानी 21 मार्च 1977 तक देश पर थोपा गया। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यह शब्द आज भी आपातकाल के भोगियों के कानों में गूंजती होगी। आइए आपको आपातकाल से जुड़ी 10 बातों से रूबरू करवाते हैं। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह ही नहीं बची थी। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां भी सामने आई थी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। यह सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा की गई। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव हो गया था। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि बना था। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से सुनाए गए फैसले में यह कहा था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राज नारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राज नारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी ने चुनाव को निरस्त कर दिया। इस फैसले से आक्रोशित होकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। इस फैसले से इंदिरा गांधी इतनी क्रोधित हो गई थी कि अगले ही दिन उन्होंने बिना कैबिनेट के औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह से देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। इमरजेंसी में हर कदम पर संजय के साथ थी मेनका। इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत आर के धवन ने कहा था कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी के मन में इमरजेंसी को लेकर किसी तरह का संदेह या पछतावा नहीं था। और तो और, मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी सारी बातें पता थी और वह हर कदम पर पति संजय गांधी के साथ थी। वह मासूम या अनजान होने का दावा नहीं कर सकती। दिवंगत आर के धवन ने यह खुलासा एक न्यूज़ चैनल के जरिए दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। धवन ने यह भी कहा था कि इंदिरा गांधी जबरन नसबंदी और तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलवाने जैसी इमरजेंसी की ज्यादतियों से अनजान थी। इन सब के लिए केवल संजय ही जिम्मेदार थे। इंदिरा को तो यह भी नहीं पता था कि संजय अपने मारुति प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। धवन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में उन्होंने ही संजय की मदद की थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। बंगाल के सीएम एसएस राय ने दी थी आपातकाल लगाने की सलाह। धवन ने बताया था कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम एसएस राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। इमरजेंसी की योजना तो पहले ही बन चुकी थी। धवन ने बताया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने के लिए उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं थी, वह तो इसके लिए तुरंत तैयार हो गए थे। धवन ने यह भी बताया था कि किस तरह से आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिया गया था।
कि आरएसएस और उनके सदस्यों और विपक्षी नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली जाए जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। इसी तरह की तैयारियां दिल्ली में भी की गई थी। इस्तीफा देने को तैयार थी इंदिरा गांधी। धवन ने कहा था कि आपातकाल इंदिरा के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया था, बल्कि वह तो खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थी। जब इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश सुना था तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफे की थी और उन्होंने अपना त्यागपत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि वह त्यागपत्र टाइप किया गया लेकिन उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी उनसे मिलने आए और सब ने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यानी यहाँ उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी कोर्ट के आदेश को नहीं मानने की सलाह दे रहे थे। आईबी की रिपोर्ट और 1977 का चुनाव। धवन ने कहा था कि इंदिरा ने 1977 में चुनाव इसलिए करवाए थे क्योंकि आईबी ने उनको बताया था कि वह 340 सीटें जीतेंगी। उनके प्रधान सचिव पीएन धर ने उन्हें यह रिपोर्ट सौंपी थी जिस पर उन्होंने भरोसा कर लिया था, लेकिन उन चुनावों में मिली करारी हार के बावजूद भी वह दुखी नहीं थी। धवन ने कहा था कि इंदिरा रात का भोजन नहीं कर रही थी, तभी मैंने उन्हें बताया कि वह हार गई हैं। उनके चेहरे पर राहत का भाव था, उनके चेहरे पर कोई दुख या शिकन नहीं थी। उन्होंने कहा था, भगवान का शुक्र है, मेरे पास अपने लिए समय होगा। धवन ने दावा किया था कि इतिहास इंदिरा के साथ न्याय नहीं कर रहा है और नेता अपने स्वार्थ के चलते उन्हें बदनाम करते हैं। वह राष्ट्रवादी थी और अपने देश के लोगों से उन्हें बहुत प्यार था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा के घर में था अमेरिकी जासूस। विकिलीक्स पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर में 1975 से 1977 के दौरान एक अमेरिकी भेदिया था जो उनके हर पॉलिटिकल मूव की खबर अमेरिका को दे रहा था। यह खुलासा विकिलीक्स ने कुछ साल पहले अमेरिकी केबल्स के हवाले से किया था। विकिलीक्स के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर में मौजूद इस भेदिये की उनके हर राजनीतिक कदम पर नज़र थी। वह सारी जानकारी अमेरिकी दूतावास को मुहैया करा रहा था। केबल्स में इस भेदिये के नाम का खुलासा नहीं किया गया। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित करने के एक दिन बाद अमेरिकी दूतावास के केबल में कहा था कि इस फैसले का वह अपने बेटे संजय गांधी और सेक्रेटरी आर के धवन के प्रभाव में थी। केबल में लिखा था, पीएम के घर में मौजूद करीबी ने यह कन्फर्म किया है कि दोनों किसी भी तरह इंदिरा गांधी को सत्ता में बनाए रखना चाहते थे। यहाँ दोनों का मतलब संजय गांधी और धवन से है। आपातकाल और पीएम नरेंद्र मोदी। आपातकाल के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी। कई पत्रकारों को मीसा और DIR के तहत गिरफ्तार किया गया था। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुँचे। उस कठिन दौर में नरेंद्र मोदी और RSS के कुछ प्रचारकों ने सूचना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उठा ली। इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। संविधान कानून कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य गुजरात से दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में रखे गए। यह एक जोखिम भरा काम था क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संदिग्ध लोगों को गोली मारने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक कारगर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।